प्रदूषण को लेकर भले ही दिल्ली सुर्खियों में बना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत और भी ज्यादा गंभीर है। जैसे जैसे ठंड के तेवर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जब से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि डीजल वाले ट्रक दिल्ली में नहीं आएंगे, तब से गाजियाबाद बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। अब 3 दिसंबर तक ये ट्रक वहीं खड़े रहेंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब होगी। फिलहाल आपको बताते हैं कि यूपी के जिलों का हाल कितना गंभीर है। दिवाली के बाद से ही छाई धुंध से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी को खांसी की समस्या है तो कहीं दम घुट रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा के साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों में ठंड और धुंध दोनों का ही प्रकोप जारी है। सबसे पहले आप मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए। हालात ये हैं कि दिन के समय भी लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। साथ ही सुबह काम पर जाने वाले लोगों की समस्या भी अब बढ़ गई है। सबसे बड़ा जो पोल्यूशन में जो कंट्रोल करना है, तो सड़क पर जो डस्ट उड़ती है वो, और दूसरा जो व्हीकल से पोल्यूशन कंट्रोल होता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और जो यहाँ पे मुरादाबाद में अपनी जो इंडस्ट्री चलती है, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो गुड्स वगैरह चलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। दिक्कत तो थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है, उसी की वजह से हम टहलने निकलते हैं। अब देखिए गाजियाबाद की तस्वीर। यहाँ तो लोग प्रदूषण की वजह से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही कोई समाधान किया जाए। 2 दिन पहले पॉल्यूशन, क्योंकि हवाएं चल रही थी तो पॉल्यूशन कम था, और आज की डेट में पॉल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि आज सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और आँखों से पानी आ रहा है और मेरे को गले में खराश भी हो रही है। तो पॉल्यूशन के लिए कुछ NGT से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ सॉल्यूशन हो सके वो करें। प्रदूषण की वजह से बाहर नहीं जाते हम, अंदर कॉलोनी में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें बाहर जाने में आँखों में मिर्ची और ये खांसी वगैरह इसका एहसास होता है। पॉल्यूशन है साहब, और पॉल्यूशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये इसके लिए कुछ छिड़काव भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे पानी का छिड़काव हो तो कुछ पॉल्यूशन कम हो। अब आगरा की हालत देखिए। यहाँ से ताजमहल साफ नजर आता था, लेकिन अब धुंधला नजर आने लगा है। वहीं नोएडा की हालत भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी AQ वेदर के हिसाब से बुलंदशहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 261, आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 296, गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 283, नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 277, मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 बना हुआ है। इनमें से कोई भी खराब श्रेणी से नीचे नहीं है। जब हवा की गति तेज होती है तो प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। जब हवा की गति धीमी हो जाती है तो प्रदूषण के कण भी हवा में बैठ जाते हैं, जिससे कि स्तर बढ़ता जाता है। फिलहाल मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में हवा की गति तो तेज होगी, लेकिन स्थिति तब भी खराब बनी रहेगी। वहीं डॉक्टर ने भी ये सलाह दी है कि आप अगर जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, वरना आप घर पर ही रहें। और हमारे प्रशासन की अगर बात की जाए तो उन्हें तभी याद आता है जब चीज़ें बदतर हो जाती हैं। अब गाड़ियों पर रोक लगाना या छिड़काव करना या कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा देना, ये सारी चीज़ें अगर समय रहते की जाती तो स्थिति भी गंभीर नहीं होती।